नारायण सरकार नारायण प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड में की सदा सदा के लिए जय जयकार। बाबा कहाँ से आगमन हुआ है आपका? सर्वोदय मथुरा जिले गांव आगरा शेरा वहां से आया हूँ आपके चरणों में। एक बात बताओ बाबा, दुनिया की कैलेंडर के मुताबिक आध्यात्मिक दूसरे भौतिकतावाद तो इस संसार में दो मार्ग प्रचलित है, दो पथ जाने माने हैं। एक को आध्यात्मिक कहते हैं, एक को भौतिकतावादी कहते हैं। तो बाबा जब आप जनपद मथुरा के रहने वाले हैं और आप ये भी समझ सकते हैं, उम्र दराज है आप, सुनो बाबा सुनो, पहले मथुरा वासी आप बोलोगे बोले बिना तो रह नहीं सकते। तो सुनने में आता है देश के कोने कोने से आध्यात्मिक लाभ उठाने के लिए मथुरा वृंदावन जन साधारण मथुरा वृंदावन पहुंचते हैं, लेकिन ये आपका रवैया समझ में नहीं आता। ये दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक कस्बा है, ग्रामीण अंचल है, और आप हमको भी देख रहे हो, न रूप है न रंग है न बेस है न जटा जूट है न कंठी माला है न तिलक छापा है न घोट मोट है। हम कोई बाबा साहबा भी नहीं है, कथावाचक उपदेशक भी नहीं है, ये आप देख ही रहे हैं। और हमारे द्वारा आज तक करीब 23 वर्ष का दुनियावी कैलेंडर के मुताबिक हमें हो गया इस सत्य के साथ में, आज तक कहीं हमने कोई आश्रम भी नहीं बनवाया है, एक इंच कहीं जमीन नहीं खरीदी है। जहां भी जाते हैं यहाँ कोई हमको यहाँ मेरठ जाना है, एक माह का समय मेरठ में दिया हुआ है, ये महापुरुष पहुंचे हमें ठीक है, अलीगढ़ से बुलंदशहर नहीं तो आपके यहाँ से होके निकल जाएंगे, देख लेंगे। तो आप बाबा ये भी समझ सकते हो, यहाँ कोई प्रचार प्रसार भी नहीं है। जो किसी प्रकार का है प्रचार प्रसार भी नहीं है, और हम कोई साधु संत महात्मा नहीं है, बाबा नहीं है, कथावाचक उपदेशक नहीं है, एक साधारण व्यक्ति है। जो साधारण व्यक्ति है, आप उम्र दराज है, मथुरा जनपद के निवासी हैं, और जमाना मथुरा वृंदावन में आध्यात्मिक लाभ कमाने के लिए आता है, तो आप यहाँ क्यों पहुंचे? प्रभु वहां कौन कुछ नहीं है, जो कुछ है तो आपके चरणों में है, और वो सब कृपाएं मां का प्रभु मथुरा वृंदावन में सब भाई बहन सुन रहे हैं, तेरे यहाँ लौटाए तेरे यहाँ जो कुछ है सब प्रभु के चरणों में, और कौन कुछ नहीं। बाबा ये बात आपके साथ आप तक बोल सकते हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कुछ कहना पड़ता है पहले उसका प्रमाण होना चाहिए, जब तक प्रमाण नहीं तब तक बात बनने वाली नहीं, क्योंकि आज दुनिया शिक्षित है,
जिससे पूछो भारतवर्ष में भी वो अपने को पीएचडी से कम नहीं बताता। गांव देहात में भी जाते हैं, जाते आते हैं, आप भी आए गए तो ये भी देख रहे हैं कि जिसे देखो वो ज्ञानी की चर्चा करता है, वो ईश्वर की चर्चा करता है, लेकिन स्वयं के बारे में वो कुछ नहीं जानता। तब आपका क्या कहना है? हम तो यही कहेंगे कि आप भटक गए, यहाँ आपका आना यहाँ हुआ है, आप भटक रहे हैं। मैं भटक नहीं रहा हूँ प्रभु, मैं सच्चे मार्ग में और आत्मा मेरी आपके चरणों में अर्पण है। यहाँ उपस्थित महापुरुष है, आपके बच्चे हैं, आपकी बहन बेटियां हैं, इनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? आप बुद्धि दे रहे हैं प्रभु, तो हो सकता है ऐसा, मेरे अंदर बुद्धि तो है नहीं है प्रभु, और बुद्धि आप ही दे सकते हैं प्रभु, तो सब काम हो सकता है। देखो बाबा, सब काम वाली बात तो समझ में नहीं आती है, सब काम में तो अपराध भी आता है, व्यभिचार भी आता है, सब काम में तो वर्गवाद भी आता है, सब काम में जितने व्यसन है वो भी सब आते हैं, और कामों में इंसानियत भी आती है, मानवता भी आती है, भाईचारा भी आता है, और खास बात यह है बाबा, बुजुर्ग हैं आप, धन पाने के लिए कोई सा भी कुकृत्य करना पड़े, कुकृत्य करने में आदमी कभी सी नहीं करता है, वो भूल गया है डिग्रियां प्राप्त करने के बाद निम्न स्तर से लेकर उच्च स्तर के पदों पर आरूढ़ होने के बाद भी भूल गया है कि हे मानव, तू लोक में क्यों आया है, तुझे मैं नारी का शरीर क्यों मिला है, ये भूल चुका है। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे? प्रभु ये कहना चाहेंगे कि आपकी चरणों में हमारी विनती है तो हम भक्त पार हो जाएंगे। एक बात बताओ बाबा, जब हम स्वयं इस संबंध में प्रकाश डालने से पहले हमें ये समझना होगा, जिन महापुरुषों ने ये सत्य के साथ का आयोजन कराया है, उन महापुरुषों ने समझा होगा क्या ये आयोजन क्यों करा रहे हैं, धन पाने के लिए आदमी क्या क्या नहीं करता है, और यहाँ देखने को मिल रहा है तन मन धन सब खर्च किया हुआ है, और आप समझ सकते हैं जरा कोई कर्तव्य कर्म करता है उसके बदले में क्या क्या चाहत रखता है, और जिन महापुरुषों ने ये मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम का आयोजन कराया है, इन्होंने कुछ समझा होगा, जो भी तो तन मन धन खर्च किया है, तो यहाँ इस समय उपस्थित आने वाले महापुरुषों को भी समझना चाहिए कि आप यहां कैसे आए, किस लिए आए, क्यों क्यों, यहां न रूप है न रंग है न वेश है, न जटा जूप है न कंठी माला है, न तिलक छापा है, कुछ नहीं है, सब सफा सत्य है,
हमारी भाषा समझ में आ रही है, सब सपा सकते। और परमात्मा जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है, नारायण साकार हरि, वो भी सपा सकते थे, सपा सकते हैं और सपा सकते ही। सपा सकते ही रहे। और हम आप सभी परमात्मा के अंश है, नारायण साकार हरि के अंश है। अब देख रहे हैं आप, हमको जुकाम हुआ, अब ये कफ बना, प्रैक्टिकल हो रहा है, इसे समझो। हमें उकाम जुकाम नहीं होता, ये तो आपको मिला है। अब बाबा आपने बात कही पते की, ये नारायण हरि परमात्मा की लीला है। संसार दुनिया दिखावा दिखाती है, और दिखावा दिखाते दिखाते दुनिया के रंग में ही रंगती जाती है। दुनिया में ही इस भावसागर में ही जन्मेंगे मरेंगे, और जो ब्रह्मांड के रचयिता नारायण हरि की लीला में रमण करने लगते हैं, उनका भविष्य बुरा हो जाता है। क्यों? राजा रहेगा रंग, वली रहेगा वलिया, तंत्री रहेगा मंत्री, अधिकारी रहेंगे कर्मचारी। जो आया है सो जाएगा, राजा रंग वकील, उसके तन का समय आ गया है, उसका देहावसान तो होगा। जब देहावसान होगा तो सोच रहे हम आप क्या सोच रहे, पिताजी के पिताजी समझीन वायु चिल्लाते रहे, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, मेरे लड़की दामाद, मेरी जमीन जायदाद। साधारण भाषा है, कोई हम कलिष्ठ हिंदी नहीं बोल रहे, संस्कृत का शब्द भी नहीं बोल रहे, कोई अंग्रेजी का वर्ड भी नहीं बोल रहे, अरबी फारसी भी नहीं बोल रहे, थोड़ी बहुत आती है, आम भाषा है। पिताजी के पिताजी चिल्लाते रहे, ये आपको सोच ही दी जा रही है, समझ दी जा रही है। बुजुर्गों को लेके चलते हैं, मानते हैं, तो सोच दी जा रही है, समझ दी जा रही है। पिताजी के पिताजी चिल्ला चिल्ला के मर गए, मेरे बेटे, मेरे बेटियां, मेरे भाई, मेरी बहने, मेरे लड़की दामाद, मेरे फार्म हाउस, मेरे मिल, मेरे कारखाने मर गए, चले गए, कहां गए, एक धेला भी साथ नहीं ले गए। इतना कुनबा बताया, कुनबा वालों ने कहा जल्दी बुलाओ और शमशान में ले जाकर राख करके चले आए। कॉमन सेंस की बात है, समझना है। हम कोई आपको उपदेश देने नहीं आए, न हम प्रवचन करते हैं, न स्पीच देते हैं कि दिमाग में रख दीजिए। इतना इशारा है, और इशारा समझना बहुत जरूरी है। आपको कहीं जाना है, चनौसी चौराहे पर आप पहुंच गए, आपको मार्ग का पता नहीं है, जिस मार्ग से मान के चलो आपको बेहजोई जाना है, आपको बेहजोई के रास्ते का पता नहीं है,
और आप चौदोसी चौराहे पर पहुंचे। क्या चौराहे पर जो जनसेवक है, जो पुलिस जन है, जो यातायात कर्मी है, ट्रैफिक वाले हैं, चौराहे पर खड़े हैं, आप उनसे संपर्क करेंगे तो वो आपको बेहजोई का रास्ता, दिशा निर्देशन, दिशा बता देंगे कि इस मार्ग पर जाओ और यहाँ से बस मिलेगी और आप बेहजोई पहुंच जाएंगे। और लोगों का आना जाना है और किसी से जानकारी करोगे, पता नहीं वो का गलत रास्ता बता दे, नहीं जानता हो और नहीं जानता हो, लेकिन ट्रैफिक पुलिस का जनसेवक चौराहे पर खड़ा है, वो रजिस्टर्ड है गवर्नमेंट का, वो गलत रास्ता बता नहीं सकता। अब इस ब्रह्मांड में देखो कि परमात्मा का नुमाइंदा कौन है, ये परमात्मा का भेजा हुआ नुमाइंदा है, उसे किसी का सहारा लेने की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती है? इसलिए नहीं पड़ती है, जिन्होंने ब्रह्मांड की रचना की है इसे कहो उठक बैठक बंद करें, अन्यथा पंडाल से बाहर चले जाए। ये खुरापात करने का स्थान नहीं है, अनुशासित होके बैठिए, मर्यादित होके बैठिए, नहीं तो जा सकते। क्यों? आप हलचल करते हो, दूसरों का भी नुकसान होता, आए हो सुनने के लिए और कोई भाव बना के आया है दर्शन करने के लिए। खुरापाती लोग आप भली भांति से जानते हो, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, जन्म से लेके मर तक मछली गंगा में रहती है, उसकी बदबू दूर नहीं होती है। मछुआरे में पकड़ ली पूरे काट पीट के देसी घी में उसको तला जाता है, तब भी बदबू दूर नहीं होती है। ये मौका ऐसा है, समय ऐसा है, वक्त ऐसा है, क्या कारण है, क्या वजह है? लगभग 15-16 वर्षों से हमारा जनपद मुरादाबाद में आना हुआ ही नहीं। इससे पहले जनपद मुरादाबाद शहर ग्रामीण अंचलों में कस्बों में आयोजन कराने वाले महापुरुष कराते थे, हमको भी आने का मौका मिलता था। यहां तक पूरी पूरी रात पुलिस की तरह हम भी भ्रमण करते थे, पैरा देते थे। 15-16 वर्ष से आने नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? जब तो हमारे द्वारा कोई धान पात्र नहीं लगाया जाता है, किसी प्रकार से रुपया पैसा वस्तु बदा सोना चांदी कोठी बंगला जमीन जायदाद हीरा मोती जवाहरात कंचन कामनी लिया नहीं जाता, तो नारायण हरि परमात्मा के सत्य के साथ भी आग में कमाओगे तो हम तो नहीं आ सकते, हमारे आने का मतलब ही नहीं। आप भी जानते हैं, अगर आपकी संतानें, आप पिता है, आपके नाम से बेचेंगे तो पिता बर्दाश्त नहीं कर सकता। दूसरे हमारे द्वारा ऊपर थोड़ा सा किया गया है कि बेटा कभी बाप को ही नहीं सकता, इस पर खुलासा किया। हम हमारे द्वारा जो कहा जाता है, हम जैसे भी है साधारण व्यक्ति, हम अपने शब्दों में किसी को प्रश्न करने की जगह नहीं छोड़ते। तो खुद ही हरि परमात्मा बनोगे तो नाश तो होगा ही होगा,
बेटा कभी बाप नहीं हो सकता। दूसरे पूर्व में भी दर्शाया है, उन्हें आपको स्मरण कराते हैं, मानव धर्म सब कुछ है और रहेगा। मानवता भाईचारा अनेकता में एकता, मानव मानव को गले लगाना, मानव मानव से प्रेम करना, टूटी हुई मानवता को जोड़ना, बिखरी हुई मानवता को इकट्ठा करना, मानवीय गुणों को पैदा कराते हुए और आत्मिक भेद कराते हुए सब मार्ग पर अग्रसारित कर देना, ये हर महापुरुष का कर्तव्य बनता है। और ये कार्य करने की बजाय खुद ही परमात्मा बनता है, स्वर्गवाद का विषय होता है। और जो हमारे द्वारा कुछ नहीं दिया जाता, नारायण साकार हरि परमात्मा का नाम का उजागर किसी शरीर से हुआ, किसी के द्वारा हुआ है, 22-23 वर्ष हो गए, आपने सुना होगा, इससे पहले नाम नहीं सुना होगा। ये नाम जो हमारे द्वारा लिया जा रहा है, ये पूरे ब्रह्मांड में प्रचलित है, अपना कार्य करता है, कार्य हो रहा है, समझदार है, वो प्रकृति को भी समझ रहे हैं, बदलाव हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, और मनुष्य में भी परिवर्तन हो रहा है। दूसरे आप समझ सकते हैं कि अगर अपराध न हो तो पुलिस की जरूरत कहाँ है? नहीं, अपराध करते हैं तो सरकार ने ये विभाग बनाए हैं, भारतीय संविधान है, तो जहां पे से चल रहा था, पिताजी के पिताजी मर गए, चले गए, कुछ नहीं दे गए, पिताजी भी मर गए, वो भी यही बोल बोल के कुछ नहीं दे गए। तो आज हमें सद्ज्ञान हो रहा है, आपको सद्ज्ञान हो रहा है, जानकारी हो रही है, समझ आ रही है कि राजा रहे न रंग, बली रहे न अलिया, संतरी रहे न मंत्री, अधिकारी रहे न कर्मचारी, जो आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, जिसके सन का समय आ गया उसकी मृत्यु होगी, क्या होगा? पड़ा रहेगा माल खजाना, फिर प्रिया से जाना है, और कर्ण बंदे प्री धन से नहीं तो फिर ऐसा ना क्यों? हे मानव, तू भूलोक में क्यों आया? तुझे न नारी का शरीर क्यों मिला है? ये तो बाबू जी समझना पड़ेगा। झूठ मोह के कारण लोग कंचन कामनी काम वासना इन विषयों में जब जीव बंध जाता है तो किया हुआ वादा भूल जाता है। पुलिस में वादा किया है, अदालत में वादा किया है, भूल जाओगे वारंट कटेगा, NBW होगा, 82-83 CIPC की कार्रवाई होगी, सब कुछ होगा। हमने जो वादा किया ब्रह्मांड के रचयिता से, कहा तो ये भी गया है, मानव तन दुर्लभ है, इसके लिए देवता भी तरसते हैं। जब हमको मानव तन मिल गया, अब कल से बचाने के लिए नारायण हरि परमात्मा ने किसी माध्यम से कदम उठाया। सरकार पुलिस के माध्यम से कदम उठाती है, अदालत के माध्यम से कदम उठाती है, अपराध न हो, अंकुश लगे, साक्ष्य पूर्ण होता है,
अपराध सिद्ध हो जाता है तो सजा भी होती है और सजा जेल में भोगनी पड़ती है। दस वर्ष की कारावास की सजा दी और 5 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुना दी। कठोर में तो आप समझ सकते कठोर है साधारण। इसी तरह से हम स्वयं को देखे दूसरों को नहीं, हमारे सामने तो कहे हमारे सामने कष्ट है, हमारे सामने परेशानियां हैं, हमारे सामने बीमारियां हैं, बीमारियों ने हमें घेरा हुआ है, असाध्य रोग है, दुनिया में उपचार कराते हैं, इलाज कराते हैं, लेकिन ठीक नहीं हो पाते हैं। जब धन बर्बाद हो जाता है, मकान भी बिक जाता है, जमीन भी बिक जाती है और फिर भी ठीक नहीं हो पाते, कारण क्या है, वजह क्या है? सजा किसी का सजा नहीं है, ना मानों को कर्मी को जिनको हमने आगे बढ़ाने का प्रयास किया उन्होंने ही लगता दी थी। उन्होंने ही गद्दारी की, उन्होंने ही परमात्मा का भी सोला, वही हरि परमात्मा बने तो समझ सकते हैं। सरकार का नुमाइंदा है, उसे छेड़ोगे तो सरकार छोड़ेगी नहीं। और भूलोक में नारायण हरि परमात्मा का कोई नुमाइंदा है वो गलत कार्य कर ही नहीं सकता, वो विधाता के विधान के तहत ही चलेगा। उधर निगाह टेढ़ी होगी तो बाबू जी समझ सकते हैं हमें हमारे विचारों का दंड मिलता है तो हमारे कर्मों का भी दंड हमको मिलता है। निसंदेह कोई संदेह नहीं, आप समझ सकते हैं कि दुनिया में किसी चीज की कोई कमी तो है नहीं, कोई कमी नहीं, सब कुछ देख के आ रहे हो, देख भी रहे हैं। अब क्या हो रहा है, जुकाम से या नहीं, या हम कर रहे कर नहीं रहे, इतना पक गया है नजला जुकाम जो कहीं अटक गया है, अब हम इसे निकालने का प्रयास कर रहे हैं और ये निकल नहीं रहा। अगर नहीं निकालेंगे तो बाबूजी हमको एक दिन टीवी का रोग डॉक्टर घोषित कर देंगे। हम अपनी बात करते, अब जो हंसा हुआ है नजला जुकाम उसे निकालना बहुत जरूरी है, निशान आवश्यक है, कैसे निकलेगा? तो ये घरेलू पद्धति भी है, आपकी रसोई में भी तमाम औषधियां हैं, या फिर किसी डॉक्टर का सहारा लेंगे, निकलवाना पड़ेगा अन्यथा इनका रोग लगेगा, उपचार मुश्किल हो जाएगा। आज ये मौका है, वक्त है, समय है, संजीवनी का प्रयास करें। जो हमने मोह का रोग, लोभ का रोग, काम का रोग, कंचन कामी का रोग, झूठ का रोग, बर्बाद का रोग, जो हमने ये जुकाम पाला हुआ है, अगर आज उसका उपचार नहीं कराया तो बाबू जी देव सात प्राण गवाह है, साक्षी है, क्या होगा? कर्मों का भोग अनंत अनंत कालों तक भोगना ही पड़ेगा। आपके घर की गीता है, आपके
की नौकरी की व्यापार की महागीता हम आपके सम्मुख रख रहे हैं। हमारे शरीर को बंद देखिए आप, हमारे वस्त्रों को बंद देखिए, जो आ रहा है उसे समझने का प्रयास करिए कि आप शब्द कौन सा था, कौन से घट से प्रकट हुआ, जब ब्रह्मांड की रचना हुई वो शब्द वो घट कौन सा था, उस घट से वह शब्द का प्राकट हुआ, संसार का संचालन हो रहा है, वो घट कौन सा था, उस घट से वह शब्द का प्राकट हुआ, जो संधारण का ही होगा निसंदेह। क्यों? जिसका निर्माण हुआ होता है समय आने पर नष्ट भी होता है, जो जन्म लेता है कर्मों के आधार पर मरण भी होता है। आज की जो समय काल परिस्थितियां हैं, आज का जो वक्त है, इसे इस समय आप लोग यहां बैठे हैं, सत्य को उसे खरीदा नहीं जा सकता। कोई बता दे आज तक जैसे ब्रह्मांड की रचना हुई है, सत्य को कोई ढंग से खरीद सका है, खरीद सकता है? अध्यात्म के नाम से हम अपनी बात करते हैं, हम आप लोगों को लूट नहीं सकते, कहीं नहीं लूटते, चाहे हमारा जाना दुनिया के तौर पर केरला हो, कन्याकुमारी हो, आंध्र प्रदेश हो, उड़ीसा हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र, कहीं भी भिन्न भिन्न प्रांतों में हम रहते जाते हैं, जमाने में आप कहीं से चोरी करके देख लीजिए, न हम कोई दान पात्र लगाते लगवाते हैं, न कहीं से रुपया पैसा वस्तु पदार्थ सोना चांदी को भी बंगला जमीन ज्यादा धीरा मोती जवाहरात हम कुछ नहीं देते। अब आप कहीं काम के भी जनता तो आपकी मुरादाबाद जनपद कहीं के सबको पता है हमारे नाम जमीन जायदाद है, तीन तीन फसलें पैदा होती है, वहां महापुरुष रहे थे, हमने से दोनों में से किसी को पहुंचना हो ही नहीं पाता। और आपको बता दें 21 वर्ष हमने लगातार जुडिशियरी न्यायालय में कार्य किया है, स्पेशल जज डकैती, स्पेशल जज नारकोटि में, स्पेशल जज ईसीएल डिस्ट्रिक्ट में प्रमोशन हुआ, इंटेलिजेंस ब्यूरो अभी 15 वर्ष 16 वर्ष बाकी थे नौकरी के, पेंशन लेकर हम अपनी मर्जी से नहीं आए, नारायण हरि परमात्मा ही लेके आए, वही कार्य कर रहे, ये शरीर तो माइक है, माइक इतने पर भी अगर आप ये समझ ना आए तो दोबारा या कभी मत आना, ये भी तो दिमाग में रखो, जब अगली सांस का भरोसा नहीं तो पाप क्यों कमा, तो से कमाए क्या जरूरत है? अरे जीवन तो हमें तो जीवन यापन के लिए तो बाबू की खेती बाड़ी नौकरी व्यापार मजदूरी करनी ही पड़ेगी, परमात्मा का ध्यान भजन करने के लिए कुछ छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती।